हेलो स्टूडेंट्स प्रोफेसर रसप्रीत कौर है वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु तो आज हम करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का पार्ट थ्री पार्ट थ्री में हम कुछ और डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे होपफुली आपके साथ जो मैंने टेन डेफिनेशंस डिस्कस करी थी वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई ठीक है तो इसके अंदर हम कुछ और डेफिनेशन डिस्क्राइब करेंगे जो कि रिलेट करती हैं इस एक्ट के साथ तो सबसे पहले हमारे पास आती है ले ऑफ सेक्शन टू ट्रिपल के राइट ले ऑफ ले ऑफ का मतलब होता है मे बी कंसिडर्ड अंडर द फॉलोइंग थ्री हेड्स तीन हेड्स के अंदर हम ले ऑफ का मतलब समझेंगे सबसे पहली बात देयर मस्ट बी अ फेलियर रिफ्यूजल और इन ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर टू गिव वर्क टू द वर्कमैन ये बात आप समझो पहले कि ले ऑफ का मतलब होता है कि इम्प्लॉयर इम्प्लॉय को काम नहीं दे पा रहा या तो काम देने से फेल हो गया या रिफ्यूज कर दिया या इन एबिलिटी का मतलब हो गया लाइक like, मशीनरी के ऊपर दस ही लोग काम कर सकते हैं बारह लोग अवेलेबल है उसके पास तो दस काम करेंगे दो को वो क्या कर रहा है काम नहीं दे पा रहा इनएबिलिटी हो गई उसकी ठीक है तो और जो ये फेलियर या रिफ्यूजल या इनएबिलिटी है वो किसके कारण हुई है शॉर्टेज ऑफ कोल के कारण पावर चली गई लाइट चली गई तब भी सबको बैठना ही पड़ेगा ठीक है और रॉ मटेरियल की कमी हो गई क्लियर एकमुलेशन ऑफ स्टॉक मतलब कि पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक इतना ज़्यादा पड़ा है कि सेल्स हुई नहीं डिप्रेशन uh, चल रहा है इकोनॉमी के अंदर इतनी सेल्स नहीं हुई और उसके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा एकोमुलेट हो गया तो भी वो सोच रहा है कि अब और प्रोडक्शन करके क्या करना है तब भी वो अपने जो वर्कर्स हैं उनको ले ऑफ कर सकता है ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी अचानक से मशीनरी चलते चलते रुक गई अब भाई देखना पड़ेगा कि क्यों रुक गई ठीक है फिर रिपेयर करने के लिए पर्सन बुलाने पड़ेंगे तब भी उतने टाइम के दौरान वर्कर्स काम नहीं कर सकते या कोई नेचुरल कैलामिटी जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो में एग्जाम्पल दी थी कि मान लो कि आग लग गई किसी भी कारण तो जब तक वो रीइंस्टेट फॉर्म में नहीं हो जाएगी बिल्डिंग आग लगी है सारी काली हो चुकी है कितना नुकसान हो चुका है तो उसको थोड़ा टाइम तो चाहिए होगा ना रिपेयर करने के लिए तो जितना टाइम रिपेयर करने के लिए लेगा एम्प्लॉयर उतना टाइम वर्कर्स काम तो नहीं कर सकते तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं ले ऑफ क्लियर या फिर कोई भी रीजन हो सकता है जो इन्हीं के साथ कनेक्ट करता हो राइट द वर्कमैन लेड ऑफ मस्ट बी ऑन द मस्टर रोल जिसको ले ऑफ करा गया है वो ऑफिशियल लिस्ट के अंदर उसका नेम होना चाहिए एंड मस्ट नॉट का मतलब होता है निकालना तो बेसिकली ऑफ का मतलब क्या है कि वर्कर जो है वो एम्प्लॉय है फैक्ट्री का राइट right? इंडस्ट्री का लेकिन किसी भी कारण करके उसे काम नहीं दे पा रहा इंप्लॉयर चाहे वो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कोल शॉर्टेज ऑफ पार शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल कोई भी रीजन हो सकता है बट रिट्रेंच नहीं किया उसको निकाला नहीं है बट कुछ uh, ऐसे सिचुएशंस की वजह से वो काम नहीं दे पा रहा उसको तो उसको हम ले ऑफ कंसिडर करते हैं ठीक है थीके? और ये क्लॉज फर्दर क्या कहता है कहता है कि इफ वर्कर हैड प्रेजेंटेड हिमसेल्फ फॉर वर्क बंदा आ गया इंडस्ट्री के बीच में उसने अपने आप को प्रेजेंट कर दिया कि मैं आ चुका हूं मुझे काम दो लेकिन वाज नॉट गिवन एम्प्लॉयमेंट विद इन टू आवर्स दो दो घंटे हो चुके हैं उसे आए हुए लेकिन एम्प्लॉयर ने उसको कोई काम नहीं दिया ठीक है तो भी वो क्या माना जाएगा पूरे दिन के लिए लेड ऑफ माना जाएगा कि ले ऑफ का बेसिक मतलब क्या होता है कि इंप्लॉयर ने काम नहीं दिया बट वो बंदा है तो वर्कर ना उसी इंडस्ट्री का तो वो वेजेस के लिए सैलरी के लिए लायबल है बेसिकली ये बात है ठीक है ले ऑफ का मतलब कि वो उसको सैलरी या वेजेस मिलनी चाहिए ठीक तो है तो यहाँ पे कहते हैं कि वो आ गया काम करने लेकिन दो घंटे तक अगर इम्प्लॉयर ने उसे कोई काम नहीं दिया तो वो क्या समझा जाएगा डीम्ड टू हैव बिन लेड ऑफ फॉर द एंटायर डे अच्छा एक और बात कहते हैं कि जहां पे वर्कर ने काम करना है शिफ्ट के बीच में ठीक है सुबह की शिफ्ट होती है शाम की शिफ्ट होती है मान लो सुबह की शिफ्ट है वो आ गया काम करने लेकिन कोई जगह खाली नहीं है तो वो एम्प्लॉयर क्या बोलता है एम्प्लॉयर कहता है कि तुम सेकंड हाफ में काम कर लेना उसी शिफ्ट के सेकंड हाफ में जैसे हमारा स्कूल कॉलेज में हाफ डे होता है ना ठीक है रिसेस से पहले फर्स्ट हो गया रिसेस के बाद उसे सेकेंड हाफ कह देते हैं ठीक है तो कहता है कि उसी शिफ्ट का फर्स्ट हाफ छोड़ के उसी शिफ्ट के सेकेंड हाफ में काम कर लेना Right? तो अगर सेकेंड शिफ्ट में उसको सेकेंड हाफ में काम मिल जाता है एम्प्लॉयर उसको काम दे देता है तो जो फर्स्ट हाफ था फर्स्ट हाफ के लिए वो क्या माना जाएगा लेड ऑफ माना जाएगा गिवन एम्प्लॉयमेंट दे दी उसको सेकेंड हाफ के अंदर देन ही शेल बी डीम्ड टू द फर्स्ट हाफ ऑफ क्लियर हो गया तो ये कुछ प्रोविजंस है ले ऑफ के रिगार्डिंग नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉकआउट उट सेक्शन टू एल तो जो लॉकआउट है वो एम्प्लॉयर करता है ठीक है अंडर द द प्रेजेंट डेफिनेशन टू ऑफ कॉन्स्टिट्यूट अ लॉकआउट दो हैं ऐसी जिनके अंदर ये समझ लगता है कि लॉकआउट है ठीक है सबसे पहले क्या है टेम्प्रेरी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सस्पेंशन ऑफ वर्क जो एम्प्लॉयर है उसने टेम्परेरी क्लोज कर दिया है एम्प्लॉयमेंट प्लेस को और uh, या फिर काम से सस्पेंड कर दिया है सबको ठीक है सस्पेंशन ऑफ वर्क ये क्यों किया उसने इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज द विध होल्डिंग ऑफ वर्क ये उसने इसलिए किया इन ऑर्डर टू गेन अ कंसेशन फ्रॉम देम कि मान लो कि एम्प्लॉयर कह रहा है कि इस साल मैं आपकी सैलरीज नहीं बढ़ाऊंगा आपकी वेजेस नहीं इंक्रीज करूंगा कंसेशन चाह रहा है ना वो अपने वर्कर से तो उसके लिए उसने लॉकआउट कर दिया कि या तो मेरी बात मानो या मैंने लॉकआउट कर दिया मैंने टेम्प्रेरी क्लोजिंग ऑफ दी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर दिए तो ना आप काम कर पाओगे तो आपकी वैसे भी डेली बेसिस पे जो कमाते हैं उनकी भी नुकसान होगा तो इसलिए वो क्या चाह रहा है कंसेशन चाह रहा है फ्रॉम देन तो इसलिए वो कर सकता है इन अ लॉकआउट द एम्प्लॉयर क्लोज इज प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये तो आपको क्लियर हो गया ठीक है टेम्प्रली विदाउट फॉर्मली डिस्चार्जिंग इज एम्प्लॉयज़ ये बात ध्यान देने वाली है कि लॉकआउट का मतलब क्या है कि उसने फॉर्मली अपने एम्प्लॉयज को डिस्चार्ज नहीं किया काम से निकाला नहीं है उसने सिर्फ टेम्परेली एम्प्लॉयमेंट प्लेस को बंद कर दिया है अपनी बात मनवाने के लिए, ठीक है दूसरा क्या हो सकता है अब वो refuse कर रहा है कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पर्सन को कि आपको मैं कॉन्टिन्यू अभी नहीं कराऊंगा ठीक है दीज वर्ड्स डू नॉट मीन डिस्चार्ज ऑफ दर्कवन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको निकाल दिया गया अब जैसे सबसे बड़ी इसकी एग्जाम्पल राइट नाउ कोरोना वायरस चल रहा है वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ठीक है बहुत सारे लोग इस बात का एडवांटेज उठा रहे हैं 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 कि वर्क वर्क फ्रॉम होम कर कर भी रहे रहे लेकिन वो uh, कॉम्प्रोमाइज अपने के साथ कंपनी को तो पता चल ही जाता है तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी को लगता है कि जिन लोगों से मेरा अभी काम चल सकता है उनको तो वो प्रॉपर सैलरीज प्रोवाइड कर रही है लेकिन कुछ वर्कर्स कुछ होते ही हैं मिडल मतलब इतना ज्यादा काम नहीं करते कंपनी का तो अगर उनको ना भी काम दिया जाए तब भी चल जाएगा तो ऐसे लोगों को कंपनी इस टाइम पे क्या कर देती है वो कह रही है कि जितने टाइम तक लॉकआउट रहेगा ठीक है जितने टाइम तक लॉकडाउन सॉरी जितने टाइम तक लॉकडाउन रहेगा कंपनी कहती उतने टाइम तक मैं आपको सैलरी पे नहीं करूँगी ठीक है तो अगर एम्प्लॉयी जो है वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो कंपनी क्या कह रही है कंपनी कह रही है कि आप अपना टर्मिनेशन लेटर डाल दो हम आपको टर्मिनेट कर देंगे या तो हमारी बात मान लो कि जितने टाइम तक लॉकडाउन है हम आपको कुछ भी पे नहीं करेंगे जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आप हमारे इम्प्लॉई हो और आप दोबारा से हमारी कंपनी को रिज्वाइन कर सकते हो लेकिन अगर इम्प्लॉयी इस बात को नहीं मानता तो कंपनी साफ साफ कह रही है कि आप टर्मिनेट कर दो ठीक है मतलब हम आपको निकाल देंगे तो ये चीज़ हो रही है तो यहाँ पे इम्प्लॉयर क्या कर रहा है रिफ्यूज कर रहा है टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन और ये हो रहा है रियली really में काफ़ी सारी कंपनीज ऐसा कर रही हैं ठीक है थीके? तो इसमें होता क्या है बेसिकली तो उसकी इंटेंशन यही है ना कि मैंने पैसे नहीं पे करने क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे हर एक को बहुत ज्यादा लॉसेज बेयर करने पड़ रहे हैं बहुत सारी कंपनीज को लॉसेज हो रहे हैं तो कंपनीज के पास भी नहीं पैसा है वर्कर्स को देने के लिए अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए तो बेसिकली लॉकआउट Lock, के अंदर इंटेंशन क्या होती है उनकी कि हम आपको पे नहीं करेंगे ठीक है इट विल नॉट टू बी अ अउट इफ द एम्प्लॉयर दर्क मैन बट नॉट गिव एनी वर्क अच्छा ये लॉकआउट नहीं होता बिल्कुल भी कि काम नहीं दे रहे लेकिन पे कर रहे हैं इफ दे आर पेइंग यू ना अगर वो आपको पे कर रहे हैं तो वो लॉकआउट बिल्कुल भी नहीं है चाहे आप उनके लिए काम कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो कभी कभी फ्री भी निकल जाता है दिन इतना काम नहीं होता तो मतलब इफ दे आर पेइंग फॉर योर वर्क तो फिर वो लॉकआउट नहीं होता क्लियर आगे आ जाती है कि फॉलोइंग डू नॉट अमाउंट टू लॉकआउट अब जो हम बाकी डिस्कस करेंगे ये भी लॉकआउट नहीं होते जैसे कि वे आर अ कंपनी क्लोजेज डाउन इट्स बिजनेस एंड टर्मिनेट ऑफ इट्स वर्कमैन कंपनी क्लोज कर दी बिजनेस ही बंद कर दिया बिजनेस बंद करोगे तो सभी को आप अपनी सर्विसेज से टर्मिनेट ही करोगे तो ये लॉकआउट नहीं है क्योंकि बिजनेस परमानेंटली क्लोज कर दिया टेम्परेरी नहीं है ठीक है और जैसे कि रिट्रेंचमेंट ऑफ सम वर्कमैन ऑन द ग्राउंड ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ वर्क अब जैसे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी करनी पड़ती है मतलब कि मान लो कि एकदम से सीजन जो है वो डाउन हो गया एक में डिप्रेशन आ गया तो कंपनी को या इंडस्ट्री को ऐसा लग रहा है कि हमें सारी रीऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी इतने लोगों की ज़रूरत है नहीं जितने लोग कंपनी के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो अगर इस केस में वो निकाल रही है ना रिट्रेंच कर रही है तो वो लॉकआउट की सिचुएशन नहीं है इस केस में वो रीऑर्गेनाइज कर रही है ये देख रही है कि बर्डन कितना है और उस बर्डन के अकॉर्डिंगली कितने वर्कर्स की ज़रूरत है बाकियों को वो क्या कर देगी निकाल देगी ठीक है फिर रिफ्यूज़ल बाय एन एम्प्लॉयर टू अलाउ लेट कमर्स ऑन अ डे टू वर्क ऑन दैट डे मान लो कोई लेट आया है जो टाइम है इंडस्ट्री का उस टाइम से लेट आया है तो अगर वहां पे एम्प्लॉयर उसको रिफ्यूज कर रहा है कि तू लेट कमर है आज तूने काम नहीं करना तो वो उस दिन को लेड ऑफ डे नहीं माना जाएगा ठीक है और ना ही वो लॉकआउट माना जाएगा ना वो ऑफ माना जाएगा ना ही वो लॉकआउट माना जाएगा क्लियर हो गया फिर हमारे पास आता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज वैसे तो बेसिकली पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो कि पब्लिक के लिए काम करती हैं ठीक है सेक्शन टू एन तो इसके अंदर कहते कि जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को लेके बट वो कौन सी हैं जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जैसे कि रेलवे सर्विस ट्रांसपोर्ट सर्विस जैसे कि सर्विस इन और इन कनेक्शन विद द वर्किंग ऑफ एनी मेजर पोर्ट और डॉक डॉक इज रिलेटेड टू जहाँ पे शिपिंग शिप्स की लोडिंग अनलोडिंग होती है तो वहाँ पे भी उसको क्या कंसिडर किया जाता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस ठीक है कोई भी पोर्टल टेलीग्राफ टेलीफोन सर्विसेज ये भी क्या है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज क्योंकि ये पब्लिक के लिए काम करती हैं और जैसे कोई भी इंडस्ट्री सप्लाई कर रही है पार लाइट वाटर ये भी क्या है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कोई भी पब्लिक कन्जर्वेंसी और सैनिटेशन्स ठीक है वो भी क्या है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज इंडस्ट्रीज बिच में भी डिक्लेयर टू बी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज द फर्स्ट शेड्यूल जितनी भी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर डिक्लेयर करी गई हैं एज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज वो सारी की सारी इसके अंदर कवर होती हैं ठीक है थीके? लेकिन उसके अलावा भी एक चीज़ है कि कोई भी लाइक फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जितनी भी बताई गई हैं ठीक है उनमें से किसी को भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर सकती है गवर्नमेंट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे डिक्लेयर एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज uh, आती हैं उनमें से किसी को भी गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर सकती है जो गवर्नमेंट है उसके पास पूरा राइट है लेकिन कुछ कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो ही वो उनको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर सकती है अब सबसे पहले कंडीशन क्या है कि जो गवर्नमेंट है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है सेंट्रल भी हो सकती है ठीक है तो गवर्नमेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड कि जो पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक इंटरेस्ट है ना वो डिमांड कर रहा है कि इस इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में कन्वर्ट किया जाए जैसे पब्लिक इमरजेंसी की एग्जाम्पल करोना वायरस है ठीक है तो करोना वायरस के टाइम पे अगर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आने वाली कोई भी इंडस्ट्री ठीक है अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री को हमें पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर करना चाहिए क्योंकि ये सर्कमस्टांसिस की डिमांड है ये जो इमरजेंसी चल रही है उसकी डिमांड है कि इसको हमें पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो अगर इस बात से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है तो वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर कवर होने वाली किसी भी इंडस्ट्री को डिक्लेयर कर सकती है एज पब्लिक यूटिलिटी सर्विस लेकिन डिक्लेयर करने के लिए उसे अपने ऑफिशियल में नोटिफिकेशन देनी पड़ेगी ठीक है और जो नोटिफिकेशन होती है वो कितने टाइम तक वैलिड होती है नॉट एक्सीड सिक्स मतलब ज्यादा से ज्यादा वो सिक्स मंथ्स तक किसी भी इंडस्ट्री को एज पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर सकती है लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगे कि इससे ज्यादा टाइम तक जरूरत है उसको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बने रहने की तो वो उस टाइम को एक्सटेंड भी कर सकती है क्लियर हो गया द गवर्नमेंट में इफ इट कंसिडर्स नेसेसरी एक्सटेंड द पीरियड जो सिक्स मंथ्स का पीरियड है उसे वो एक्सटेंड भी कर सकती है क्लियर हाँ जी सॉरी नेक्स्ट वी हैव रिट्रेंचमेंट सेक्शन टू जीरो जीरो कैसा लग रहा है जीरो जीरो रिट्रेंचमेंट सेक्शन टू जीरो जीरो रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है किसी भी बंदे को निकालना डिस्चार्ज ऑफ सरप्लस लेबर और स्टाफ किसी भी कारण एम्प्लॉयर फॉर एनी रीजन किसी भी बंदे को निकाल दो किसी भी कारण से निकाल दो उसे क्या बोलते हैं रिट्रेंचमेंट बट इट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग क्या नहीं होना चाहिए वॉलेंट्री रिटायरमेंट मर्जी से रिटायर हो रहा है बंदा वो रिट्रेंचमेंट थोड़ी हुई ठीक है फिर रिटायरमेंट ऑफ वर्क रीचिंग द एज ऑफ सुपर एनशन मतलब वो उसकी रिटायरमेंट हो, हो तो, वाली एज आ चुकी है और वो रिटायर होने वाला है तो उसको भी हम रिट्रेंचमेंट नहीं बोल सकते अच्छा टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान लो दो पार्टीज के अंदर एक साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट अगर खत्म हो गया और उसके बाद उसको रिन्यू नहीं किया गया दोनों पार्टीज़ की तरफ से तो उसको भी रिट्रेंचमेंट नहीं बोलेंगे रिट्रेंचमेंट कब होगी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के चलते चलते इम्प्लॉयर इम्प्लॉय को निकाल देगा तो वो रिट्रेंचमेंट होती है लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और उसको रिन्यू नहीं किया गया तो वो टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज होगी वो रिट्रेंचमेंट नहीं होती अच्छा अगर कोई बंदा कॉन्टीन्यूसली इल हेल्थ है उसकी बहुत बीमार रह रहा है तो अगर उसको निकाल दिया जाए तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं होती कॉन्टिन्यूड इल हेल्थ क्लियर अच्छा फिर क्या कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ दर्विसेज ऑफ वर्कमैन टू एग्जिस्ट इज नॉट इंक्लूडेड विद इन द मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन अच्छा अगर बिजनेस ही बंद कर दिया बिजनेस बंद कर दिया बिजनेस बंद करके कर सभी को टर्मिनेट कर दिया बिजनेस ही खत्म कर दिया तो वो चीज रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं होती क्लियर फिर क्या आता है इन द फॉलोइंग केसेस टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज अमाउंटेड अमाउंटेड टू रिट्रेंचमेंट अब जो केसेस हम पढ़ेंगे इनके बीच में निकालना टर्मिनेट करना निकालने को क्या माना जाता है रिट्रेंचमेंट माना जाता है जैसे कि अगर कोई वर्कर फेल हो जाता है कंफर्मेशन टेस्ट पास करने में कोई टेस्ट था मतलब दस दिन काम करो दस दिन के बाद आपका एक टेस्ट लिया जाएगा अगर उस टेस्ट में आप पास हो गए तो आप कंटिन्यू करोगे अगर उस टेस्ट में आप फेल हो गए तो निकाल दिया जाएगा तो इस केस में अगर वो फेल हो जाता है और उसको निकाल दिया जाता है तो वो क्या होता है रिट्रेंचमेंट होता है ठीक है फिर है टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अनऑथोराइज एबसेंस फ्रॉम ड्यूटी मान लो कोई आ, चेकिंग के लिए बहुत बड़ी अथॉरिटी आने वाली थी आज इंडस्ट्री के अंदर और एक मैनेजर था जिसने जिसके पास पूरा होल्ड था कि उसने ही सब कुछ करना है तो वही अगर एबसेंट हो गया अपनी ड्यूटी से तो इस केस में अगर उसको निकाल दिया जाए गुस्से में बॉस उसको निकाल दे तो वो रिट्रेंचमेंट होगी ठीक है फिर है टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑन अकाउंट ऑफ रिसेशन एंड रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्क इकोनॉमी में एकदम से रिसेशन आ गया रिसेशन समझते हो ना मंदी इन्फ्लेशन रिसेशन आ गया रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्क की जरूरत पड़ गई मतलब कि हर जगह पे काम जो है वो ढप हो गया तो अभी भी क्या चल रहा है भाई रिसेशन ही तो चल रहा है कोरोना वायरस के कारण सबके काम तो जो है वो खत्म हुए पड़े तो कितने ही लोगों ने टर्मिनेट किया होगा अपने जो वर्कर्स हैं उनको तो उसको भी क्या कहते हैं रिट्रेंचमेंट ठीक है फिर है टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ प्रोबेशनर ऑफ अनसुटेबिलिटी प्रोबेशन अच्छा प्रोबेशनरी पीरियड पता है क्या होता है बेसिकली जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती है ना जब मान लो कि आपने कोई गवर्नमेंट पेपर दिया और आपकी सिलेक्शन हो गई राइट तो प्रोबेशनरी पीरियड होता है लाइक वो कहीं कहीं दो साल का होता है कहीं कहीं तीन साल का होता है ठीक है तो प्रोबेशनरी पीरियड का मतलब क्या होता है कि आपको जॉब तो ज्वाइन करा ली जाएगी लेकिन दो साल ये देखा जाएगा कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए या दो साल आप बेसिकली टेस्टिंग पे रखे जा रहे हो उसको प्रोबेशनरी पीरियड बोला जाता है तो so, जब बंदा प्रोबेशनरी पीरियड क्रॉस कर जाता है तब वो पक्का होता है अदरवाइज़ प्रोबेशनरी पीरियड के अंदर अंदर आपको पूरी तरह से वेरीफाई किया जाता है कि आप काम कर पा रहे हो कि नहीं आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है आप किस तरह के पर्सन हो आप उस जॉब को जस्टिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तो अगर सारी चीज़ों से सेटिस्फाई वो हो जाते हैं उस प्रोबेशनरी पीरियड के अंदर तो आप पक्के हो जाते हो उस जॉब के अंदर अदरवाइज क्या होएगा निकाला जा सकता है प्रोबेशनरी पीरियड का मतलब ही यही है कि आपकी टेस्टिंग चलेगी इतने टाइम तक और आपको कभी भी निकाला जा सकता है

लेकिन अब कौन से केसेस आ गए जिसके अंदर देयर वाज नो रिट्रेंचमेंट इन केसेस के अंदर रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा जैसे कि किसी बंदे के अंदर लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया मतलब कोई पर्सन है जो बार-बार बार-बार गलत काम कर रहा है मतलब उसका काम एम्प्लॉयर को पसंद नहीं आ रहा तो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन वर्कमैन हो गया तो अगर उसको निकाल दिया तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं है क्योंकि उसको बहुत मौके दिए गए लेकिन वो काम नहीं सीख पाया और वी कैन से कि वो काम को 100 परसेंट एफिशेंसी के साथ नहीं कर पा रहा तो उसको निकाल दिया ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी पर्सन को हमने ड्यू टू इल हेल्थ निकाला है कॉन्टिन्यूस इल हेल्थ तो वो भी रिट्रेंचमेंट नहीं है फिर कहते हैं कि हमने इसलिए टर्मिनेट किया है क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो क्लोज हो गया और हमारे किसी और किसी और पर्सन ने उसको टेक ओवर कर लिया सो so, हमारा बिजनेस बेसिकली हमारा बिजनेस बंद हो गया और उसको किसी और पार्टी ने टेक ओवर कर लिया तो टेक ओवर करने के बाद जिन जिन वर्कर्स को निकाला जाएगा ऑब्वियसली सबको तो नहीं रखते कुछ को रख लेते हैं कुछ को निकाल देते हैं तो जिनको निकाला जाएगा वो भी रिट्रेंचमेंट नहीं मानी जाएगी फिर हमारे पास आता है सेटलमेंट सेक्शन टू पी सेटलमेंट डिस्प्यूट की सेटलमेंट के रिगार्डिंग तो कहते हैं डिस्प्यूट को सेटल करने के दो तरीके हो सकते हैं टू मोड्स आर देयर पहला है बाय अ सेटलमेंट अराइव्ड एट इन द कोर्स ऑफ कंसिलेशन प्रोसीडिंग कंसिलेशन प्रोसीडिंग का मतलब होता है कि आपस में बैठ के बातचीत करके डिस्प्यूट को सुलझा लेना समझ गए ठीक है और दूसरा रास्ता क्या है अगर आपस में म्यूचुअल कंसेंट नहीं हो रहा तो फिर ऑब्वियसली किसी ना किसी थर्ड पार्टी के पास जाएंगे ट्रिब्यूनल के पास कोर्ट के पास किसी और पार्टी के पास जाएंगे अपने झगड़े को सुलझाने के लिए तो ये दो तरीके हो गए तो पहले केस में क्या है इन द केस ऑफ अ सेटलमेंट अराइव्ड एट इन द कोर्स ऑफ कंसिलेशन प्रोसीडिंग तो इसमें कहते अगर आपस में बैठ के बातचीत करके झगड़ा सुलझा लिया सुलझाया जा सकता है या सुलझ गया है तो फिर तो इम्प्लॉयर और वर्कमैन को आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर वो अपनाते हैं दूसरा रास्ता कि आपस में उनकी सेटलमेंट नहीं हो रही म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हो रहा और वो किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ फर्दर स्टेप्स होंगे सबसे पहला स्टेप होगा कि दोनों की तरफ से एग्रीमेंट साइन करवाया जाएगा जिसके ऊपर भी वो एग्री करेंगे मतलब मान लो वो ट्रिब्यूनल के पास चले गए ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया और उस फैसले से दोनों एग्री कर रहे हैं ना तो उस एग्रीमेंट के ऊपर दोनों के सिग्नेचर करवाए जाएंगे ठीक है फिर उस एग्रीमेंट की कॉपी भेजी जाएगी टू एन ऑफिसर ऑथोराइज ऑन बिहाफ ऑफ दोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब जिसने भी फैसला करवाया उसके बिहाफ पे कॉपी भेजी जाएगी किसको ऑफिसर ऑथोराइज को क्लियर हो गया तो जब तक ये स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे सेकंड केस में जहां पे वो म्यूचुअल कंसेंट से अपना डिस्प्यूट नहीं रिजोल्व कर रहे थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो जब तक ये दोनों स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे कौन से स्टेप्स एग्रीमेंट को साइन करना और एग्रीमेंट की कॉपी फॉरवर्ड करना ये स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे तब तक एनी एग्रीमेंट साइन बिटवीन द पार्टीज विल नॉट बी अ वैलिड सेटलमेंट अंडर द एक्ट तब तक इस सेटलमेंट को वैलिड सेटलमेंट नहीं माना जाएगा तो क्लियर हो गई आपको अभी डेफिनेशन पड़ी हैं और ठीक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी के लिए बस इतना ही आप अच्छे से इन फाइव डेफिनेशन को लर्न कर लीजिए समझ लीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए तो बने रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्यूरी गुरु के साथ विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्यूरी नोट्स ऑफ कॉमर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डे थैंक यू